IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है ड। तो आइए सुनते हैं ये कहानी ड से डब्बू डमरू वाला। बच्चों नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम सब? ये हुई ना बात। कौन सी कहानी सुनाऊंगा? शेर बिल्ली। तो ठीक है, सोच लिया मैंने। तो बच्चों हमारी आज की कहानी का नाम है ड से डब्बू डमरू वाला। ड से डब्बू डमरू वाला। तो सुनो कहानी बच्चों। एक था खिलौने बेचने वाला, नाम था उसका डब्बू। ड से डब्बू। हाँ, ड से डब्बू। हाँ, ड से डब्बू। तो वो डमरू बजा बजा के आता और खिलौने बेचता। डमरू की आवाज सुनकर बच्चे दूर दूर से भागे आते। हमारे घर के पास गुब्बारे वाला आता है। अच्छा, उसके पास खिलौने भी होते हैं। अरे वाह। बिल्कुल इसी तरह से डब्बू डमरू वाला भी बहुत से खिलौने बेचता था, जैसे जादू का डिब्बा, पतंग और उसकी डोरी, गुड़िया और उसकी डोली, नकली सांप, डुगडुगी, डमरू, इतने सारे खिलौने बेचता था। डासे डिब्बा। हाँ, डासे डिब्बा, डासे डोरी, डासे डोरी, डासे डोरी और डासे डोली, डासे डिब्बी, डासे डिब्बी, डासे डिब्बा। अच्छा बताओ कैसे आवाज लगाता था वो? पतंग ले लो, पतंग ले लो, डिब्बा ले लो, गुड़िया ले लो, गुड़िया, डिब्बा ले लो, डिब्बा, टीवी ले लो, जादू का डिब्बा ले लो, डोली ले लो। वाह क्या बात, नकली डिब्बा ले लो, नकली सांप। अरे वाह, नकली सांप ले लो। अरे बहुत अच्छा बच्चों, लेकिन वो नकली सांप नहीं बोलता था, वो बोलता था सांप ले लो, सांप काला काला, सांप ले लो, सांप ले लो, काटने वाला सांप, जहर वाला सांप। अरे वाह क्या बात, नाचने वाला सांप, काटने वाला सांप। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली इसी बात पर, बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों जैसे ही खिलौने वाला आता, बच्चे खिलौने खरीदने के लिए दौड़े आते। अरे वो देखो, वो देखो, वो देखो, खिलौने वाला आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ तो बच्चों सुनो ध्यान से। एक दिन गांव में अचानक कुछ डाकू आ गए। से डाकू, पता है वो गांव पर डाका डालने आए थे। डासे डाकू, डासे डालना, डासे डब्बा। हाँ, डासे डाका। हाँ, गांव में कब्जा करने आए थे वही। क्या बात है, बजाओ ताली। हाँ बच्चों, वो बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत भारी डील डॉल था उनका। डासे डील डॉल। तो बच्चों वो डाकू डकैती करने आए थे। भैया डासे डकैती, डासे डकैती। जब डाकू इधर उधर डंडा मार कर कहते हम तुम्हें लूटने आए हैं, तो गांव वाले डर के मारे इधर उधर छुपने लगते। अरे डाकू आ गए, डाकू, अरे छुप जाओ भैया, छुप जाओ, अरे छुप जाओ भैया, छुप जाओ, अरे करवा, अरे हरिया, डाकू आए, डाकू, अरे डाकू है, अरे डाकू है, अरे सामान समेट लो सामान। डासे डकैती, डासे डकैती, डासे डमरू, डासे डमरू, डासे डाकू, और डासे डंडा भी तो होता है। तो बच्चों फिर पता है क्या हुआ? फिर ये हुआ कि गांव वाले डरपोक थे ना, इसलिए वो, हाँ डासे डरपोक, इसलिए वो चुपचाप रह गए। तब डब्बू ने सोचा, डासे डब्बू, हाँ डासे डब्बू, इसलिए गांव वाले चुप रह गए क्योंकि वो डरपोक थे। तब डब्बू ने सोचा ऐसे तो डर कर रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इन डाकुओं को सबक सिखाना होगा, मैं ही कुछ करूंगा। फिर डब्बू ने जल्दी से नकली सांप डाकू पर डाला। डासे डाकू, डासे डाला। जैसे ही नकली सांप डाकू पर पड़ा, तो डाकू डर के मारे एकदम उछल कर गिर पड़ा। अरे ये नहीं सांप का, अरे सांप का, सांप का।
अरे अरे सांप, अरे सांप हमें डस लेगा, अरे डंक मार देगा, अरे अरे ये मैं उधर फेंकता हूँ, ये अरे ये किसने फेंक दिया, अरे सांप किसने फेंक दिया, मैं वहाँ फेंकता हूँ। हाँ तो आगे सुनो, आगे सुनो। तो बच्चों वो डाकू डंक के डर से जैसे ही डगमगाए, सभी गांव वाले बड़े हिम्मत से आगे आए और सबने मिलकर सभी डकैतों को पकड़ लिया। भैया डर से डर। हाँ डर से डर। भैया डर से डर। हाँ डर से डरना। डर से डाकू। वाह डर से डरपोक। डर से डंक। डर से डगमगाए। भैया डर से डोर। अरे वाह डर से डोर। डर से डोरी। डॉक्टर। डा से डॉक्टर। डा से डाक। भैया डा से डाक। डा से डांट। अरे वाह बजाओ इसी बात पर जोरदार ताली। डा से डाक खाना, डा से डंडा, बहुत बढ़िया। जब गांव वालों ने डकैतों को, डाकुओं को पकड़ लिया, पता है फिर गांव वालों ने डाकुओं से क्या कहा? क्या कहा भैया? बताता हूँ। तो तुम डाका डालने आए थे, अब मजा ले। तो बच्चों फिर ना सबने डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और फिर पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। शाबाश। तो बच्चों जब डरना छोड़कर सभी गांव वाले एक हुए तो कितना बहादुरी का काम कर पाए, है ना? डरना बुरी बात है। हाँ, अरे भाई डब्बू डमरू वाला भी तो यही कहा करता था। क्या कहता था? हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, ये कहता था हमें डरना नहीं चाहिए। डरपोक तो अपना नाम डुबोता है और जो बहादुर होता है, निडर होता है, उसका नाम रोशन होता है। तो डा से डरपोक, डा से डुबाता, डा से डॉग, डा से डॉग। अब तो पूरे गांव का नाम रोशन हो गया था क्योंकि उन्होंने इतने सारे डाकुओं को पकड़वा जो दिया था। भैया टीवी में न्यूज भी आई थी उनकी। अरे वाह क्या बात है। हाँ टीवी में न्यूज भी आई थी। पेपर में भी आया। पेपर में खबर भी छप गई थी। डब्बू का इंटरव्यू भी आया था। डब्बू का इंटरव्यू भी आया था, क्या बात है। यानी उसके बहादुरी के किस्से भी छपे थे उसमें। डब्बू की फोटो न्यूज पेपर में भी आई। हाँ डब्बू की फोटो न्यूज़पेपर में भी छपी थी। इनाम भी मिला। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, उसे बहादुरी का इनाम मिला, पुरस्कार दिया गया उसे। हाँ तो बच्चों पता है डब्बू डमरू और डुडुगी बेचने गांव में अब भी आता था, लेकिन उसने पूरे गांव वालों को बहादुर, निडर और हिम्मत वाला बना दिया था। हाँ बच्चों तो ये बताओ कौन था वो जिसने निडर बनाया? डब्बू डमरू वाला। हाँ ड से डब्बू डमरू वाला। खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो, डुगडुगी ले लो, डमरू ले लो, गुड़िया की डोली ले लो। हाँ डब्बू खिलौने बेचे गांव में, बजा बजा के डमरू, सारे बच्चे भागे आते मुन्नी डोली झुमरू। डासे होता डब्बू, डासे डोली, डासे डमरू, डासे डब्बू डमरू वाला, डासे डब्बू डमरू वाला। बेचे जादू का डिब्बा, पतंग और उसकी डोरी, बेचे नकली सांप, डुग डुगी और गुड़िया की डोली। डासे डिब्बा, डासे डोरी, डुग डुगी और डोली, डासे डब्बू डमरू वाला, डासे डब्बू डमरू वाला। तभी वहाँ कुछ डाकू आए। डाकू, डाकू, भारी डील डॉग। हाँ करे डकैती बजा के डंका, सके न कोई बोल। डासे डकैती डाकू डंका, डासे डील डॉग, डब्बू डमरू वाला, डब्बू डमरू वाला।
सभी छुपे डर डर के क्योंकि सभी तो थे डरपोक। डंडा मार के पैसा लूट रहे थे, निकालो पैसा, पैसा निकालो। सब डाकू बेरोक। डर से डंडा डाकू, डर डर और डर से डरपोक। टप्पू ने सोचा अब ना काम चलेगा डर कर, नकली सांप डाला डाकू पर, डाकू गिरा उछल कर। डसे डब्बू डसे डाला डसे डाका डर कर, डसे डब्बू डमरू वाला। हमें डसेगा डाकू डगमगाए, गांव वालों ने घेरा उनको, अब डाकू घबराए। पकड़ो डाकू, छोड़ जाने मत दो, नहीं जाने देंगे। डसे होता डंक डसेगा डाकू डगमगाए, डसे डब्बू डमरू वाला, डसे डब्बू डमरू वाला। पे सभी डकैत पुलिस को जेलों में डलवाए, सच ही कहता है डब्बू डरपोक तो नाम डुबाए। डसे डलवाए डब्बू डरपोक डकैत डुबाए, डसे डब्बू डमरू वाला, डसे डब्बू डमरू वाला। डमरू डुग डुगी गांव में अब भी बेचे खिलौने वाला, लेकिन निडर बना गया सबको डब्बू डमरू वाला। डसे डब्बू डमरू वाला, डसे डब्बू डमरू वाला, डब्बू डमरू वाला। डसे डब्बू डमरू वाला। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, चारू, नीरू, मौलिक, हृदय और सोफिया, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर मंजीत सिंह, रक्षित, आभा, मेघा, खुशबू, ममता और आरुषि, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, आलेख, गीत निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।